हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा खान और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आम की खट्टी मिट्टी रेसिपी, जो कि मेरी फ्रेंड की रेसिपी है और मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने वाली हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर पे अपने लिए ज़रूर बनाएगा। होप सो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खटमिट्टी बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो आम लिया है और इस आम को हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे एक एक आम को, ताकि कोई भी इसमें डस्ट ना रहे, जिसकी वजह से हमारा खटमिट्टी, अगर इसमें थोड़ा भी मिट्टी का फ्लेवर आ गया या गंदा रह गया तो हमारा खटमिट्टी का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। पूरे आम को वॉश करने के बाद हम इस तरीके से पूरे आम के छिलके को, ग्रीन वाले छिलके को निकाल देंगे। कुछ लोग इस छिलके के साथ भी खटमिट्टी बनाना पसंद करते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैं ये सारे छिलके इसके अच्छे तरीके से सारे आम के निकाल दूंगी। इस तरीके से आपने सारे आम के छिलके ग्रीन वाले को निकालने के बाद आपको पतले पतले स्लाइसों में या मोटे मोटे स्लाइसों में, आप जिस तरीके का खटमिट्टी में आम की स्लाइस पसंद करते हैं आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। मुझे तो ज़्यादातर मीडियम साइज़ के स्लाइसेस पसंद है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से टुकड़ों में कट करती हूँ। और इसकी गुठलियों को भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गुठलियाँ इस्तेमाल करना, तो मैं सारी गुठलियाँ निकाल के इस तरीके से मोटे मोटे मीडियम साइज़ में सारे आम के स्लाइसेस को कट कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके का ही आपको सारा आम का जो स्लाइस है एक बराबर होना चाहिए, हर तरीके से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े सेफ, मास्टर सेफ तो है नहीं, किसी भी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, बट कटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लीन। कटिंग करने के बाद इसे हम धूप में सुखाएंगे। आप कोशिश करें कि बहुत कड़क धूप में ना सुखाएं, 2 से 4 घंटे इसे हल्का सा धूप दिखा दें, ताकि इसमें जो भी नमी है वो सूख जाए। आप देख सकते हैं हमारी केरियाँ अच्छे तरीके से, इसकी नमी पूरी सूख चुकी है। एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद ये सारे मसाले यूज़ होंगे इसमें। मैंने खड़ा धनिया लिया है, काली वाली कलौंजी ली है थोड़ी सी, सौंफ लिया है, जीरा लिया है और कुछ सूखी मिर्च ली है, लाल मिर्च। इन सारे खड़े मसालों को हम अच्छे तरीके से गरम कढ़ाई पे हल्का हल्का इसे रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे और एक सोंधापन सा इसमें फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं ये मेरी जो सूखी लाल मिर्च है, इसे मैं अच्छे तरीके से धीमी आंच पे इस तरीके से हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। फिर जीरा रोस्ट करूँगी और इसमें साथ ही साथ सौंफ डालूँगी और इसमें खड़ा धनिया डालूँगी और इन सारी चीज़ों को भी धीमी आंच पे इसे हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनकी नमी चली जाए और इसमें एक अच्छी सी सोंधेपन की खुशबू आ जाए, ताकि हमारे खटमिट्टी में अच्छा सा एक सोंधापन सा खुशबू आए। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से इसे दरदरा मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक पतला नहीं पीसेंगे। फिर से सेम कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप खाने में पसंद करते हैं। हम ज़रा बिहार से हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है हमें, तो इन ऑयल में हम थोड़ा सा सौंफ, ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और कलौंजी डाल के हल्का सा इसे तड़का देने वाला जो फ्लेवर होता है, जिस तरीके से हल्का सा इसे चटकने देंगे, ये अच्छे तरीके से जब चटक जाएगी पूरी, ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट चटक चुकी है। इसके बाद मैं इसमें सारा जितना कच्ची केरियां हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करूंगी, पूरी केरियां ऐड करने के। इसे अच्छे तरीके से हम धीमी आंच पे मिक्स करके इसे पकाएंगे, ताकि हमारी जो केरियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। धीमी आँच पे इन केरियों को इस तरीके से हल्का हल्का धीमी आँच पे इसे रोस्ट कर लेंगे, ताकि हमारी केरियों में भी सॉफ्टपन सा आ जाए और एक सोंधापन सा आ जाए। जब केरियाँ भून जाए तो इसमें हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारी केरियाँ थोड़ी सॉफ्ट होने लगे। पानी ऐड करने के बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। नमक मैं ऑर्गेनिक नमक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने खाने में ऑर्गेनिक नमक यूज़ करती हूँ, तो आप जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं आप वो नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 किलो आम के लिए मैंने 1/2 किलो ये गुड़ लिया है मैंने, और इसे मैं अच्छे तरीके से इस तरीके से क्रश कर लूँगी, ताकि हमारी खटमिट्टी में ये मेल्ट हो जाए बहुत आसानी से और जल्दी। गुड़ क्रश करने के बाद हम इन आम में ये सारे गुड़ को डालकर धीमी आंच पे इसे हल्का हल्का पकाएंगे, ताकि हमारा ये जो गुड़ है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए।
गुड़ डालने के बाद हम कढ़ाई को ढक देंगे और ढक कर कम से कम 15 मिनट तक इसे पकाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे, ध्यान रहे। और इसे बीच बीच में ओपन करके चेक करते रहेंगे हमारे कैरियों का, हमारे आम का जो ये कंडीशन है वो किस तरीके से है, और इसे चलाते रहेंगे। ये ग्रेवी और थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जिस तरीके का आप ग्रेवी पसंद करते हैं, गाढ़ा या पतला, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी थिकनेस कर सकते हैं। जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उस मसाले को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे, और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे पकाएंगे। अगेन 10 से 15 मिनट इसे धीमी आंच पे हम पकाएंगे ढक कर, ताकि हमारी जो कैरियां हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, आम है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में इस तरीके से चेक करते रहेंगे और चला चला कर देखेंगे कि हमारी जो ग्रेवी की थिकनेस है वो किस तरीके से है, और कैरियों को भी टच करके देखेंगे कि ये गल रही है या नहीं गल रही, कितनी सॉफ्ट हो रही है, और फिर इसे ढक के हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट। इस तरीके से हम निकाल कर इसे तोड़ कर इसे हम अपने कैरियों को चेक करेंगे। कैरी मीन्स आम, मैं से छोटी वाली कच्ची आम को मैं कैरी भी कहती हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आप देख सकते हैं हमारी खटमिट्टी कितनी अच्छी यमी सी रेडी हो चुकी है, और इसका थिकनेस मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस तरीके के थिकनेस पसंद है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रेसिपी की खास बात यह है कि आप किसी भी कंटेनर जार में इसे डालकर स्टोर करके अपने फ्रीजर में रख के 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद हो वो उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।